जो जिस हिसाब से आप बैठे हो, अगर 17 में एक आदमी 17 वोट तोड़ेगा तो जिस भारी जनसंख्या में आप बैठे हो तो आपकी जीत को रोकने वाला कोई नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित। बस दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमारे साथ, हमारा साथ देने के लिए हमारे साथी भाई कुलदीप जाखड़ी की, भाई गुरजीत की टीम, सारी टीमें, हमारे दोस्त बहुत दूर दूर से आए हैं, हमारे कुछ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन से लगातार 20 दिन यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वो आए हैं। साथियों, एक एक आदमी पवन बनिवाल बन जाओ, ये इलेक्शन आप MLA नहीं चुन रहे, आप MLA से एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना हॉट सीट, ये हॉट सीट है। और मैंने आपको जब मैं गाँव गया था, मैंने आपका था आप 4 तारीख को है ना, 4 तारीख को आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और आज दावे के साथ कह सकता हूँ ये हॉट सीट विरोधियों को जब पता लगेगा कि एक नामांकन पवन बनवे बन के अगले 17 दिन काम करो, जीत में कोई शक नहीं है, बस इसका मार्जिन बनाना है। बहन सुनीता दी जुगल यहां से 35,000 लोगों से जीत के गई थी, और मैं जिस हिसाब से गांव में जा रहा हूं, जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो जीत, ये जीत उस जीत से दूरी होगी दावे के साथ। लेकिन इस जीत को दुगनी करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो भी मेरे कार्यक्रम होंगे ऑफिस के द्वारा संचालित होंगे, मेरे को खुद नहीं पता होगा कि मेरा परसों क्या कार्यक्रम है। मेरे को ऑफिस से मेरा कार्यक्रम मिलेगा, 2 जोन में ये बटा हुआ है, एक अहमदाबाद जोन, एक चोपड़ा जोन, दोनों ऑफिस के आप सभी कार्यकर्ता साथी नंबर रखना और ये पता रखना वैसे सोशल मीडिया पे सब पे मेरे कार्यक्रम पहले ही आपको पता होंगे, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है ऑफिस के नंबर रखना और कोशिश करना, कोई कार्यक्रम अगर बनवाना है तो जिस दिन मेरा उस गांव में कार्यक्रम हो उस गांव में उस दिन वो कार्यक्रम करा, क्योंकि यह हल्का बहुत लंबा चौड़ा 90 किलोमीटर लंबा हल्का है। कहीं आप मेरे को फोन करो, भाई साहब मैंने तलवार में प्रोग्राम आपका सेट कर दिया, आप आ जाओ, तो ये मुमकिन नहीं होगा। कृपा करके ऑफिस के द्वारा जो कार्यक्रम दिए गए हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके, और उन्हीं दिनों में जिस दिन में मैं हाउस गांव में आऊं तो वो कार्यक्रम करवाए। अभी पीछे वर्कर मीटिंग ली थी और मेरे को बड़ी खुशी हुई उस बात की, और मैंने आपको हर गांव में गया था, मैंने हर गांव में आपको बताया भी था, एक 19 साल का नौजवान जिस दिन मेरी मीटिंग वहां पे थी, एक 19 साल का नौजवान मेरे को कहता अंकल जी, जब मेरे को पता लगा आपका कार्यक्रम है इस गांव में तो मैं उससे पहले 10-20 घरों में जो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है उन घरों में गया और उन घरों को उनको लोगों को कहा कि आप हमारे से जुड़िए, तो वो लोग कहते हैं जी तो बहुत कर रहा है वोट देने को लेकिन शर्म आती है ऐसे कैसे जाए। तो साथियों, उनको शर्म आती है जाने में, हमारे को जाने में कोई शर्म नहीं है, आपने चले जाओ। जहां जहां मेरी जरूरत हो या किसी वर्कर की, किसी कार्यकर्ता की, किसी नेता की, भारतीय जनता पार्टी का हर एक पदाधिकारी जो यहाँ बैठा है या यहाँ नहीं है वो तैयार बैठा है, किसी को भी बुला सकते हो। बस 21 तारीख तक जरा होशियार और मेहनत करना, अपना भूत संभाल के रखना,
और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। अब वो दिन थे जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता था, अब विरोधी सलाते हैं अमेरिका के तौर से। शांति से सिर्फ बोल करना है, वो बहुत अफवाहें उड़ाएंगे मोबाइल पे, उस पे ना ध्यान देंगे, सिर्फ अपने गांव पे उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपना भूख जीतेगा तो कोई नहीं रोक सकता आपको जीतने से। आप यहाँ आए, मेरा हौसला